झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में आज से अंतर जिला बस सेवाएं शुरू हो गई है। परिवहन विभाग की तरफ से बस सेवा ऑपरेशन के आदेश कोरोना संक्रमण के एहतियातों के जरिए करने की बातें कही गई है। सभी बस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बसों में सामाजिक दूरी बनाए रखने, बिना मास्क के किसी भी यात्री को नहीं चढ़ाने और उचित सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। 24 मार्च के बाद से बस सेवा शुरू होने पर लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। पटना के हीरापुर बस स्टैंड में भी बसें लगी रही। बिहार में बस सेवा शुरू होने का स्थानीय ट्रांसपोर्टरों और बस एसोसिएशन ने स्वागत किया है। वहीं झारखंड में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बार बार की मांग को भी राज्य सरकार ठुकरा रही है। झारखंड सरकार की तरफ से 14,000 से अधिक बसों के त्रैमासिक पथ कर के भुगतान पर भी सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। 6 माह से अधिक समय से ये बस ऑनरों के यहाँ अथवा सड़कों में पड़े हुए हैं। बीच में सरकार की ओर से देश भर में झारखंड वासियों को बुलाए जाने के समय बसों का उपयोग किया गया, फिर बसों का परिचालन पूरी तरह ठप है। बताते चले कि दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, मुंबई में बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। झारखंड में बसों का परिचालन कब शुरू होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यहां यह भी बताते चले कि झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या उपरोक्त सभी जगहों की तुलना में काफी नगण्य है। झारखंड में बसों का परिचालन ठप होने से 42,000 लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि एक बस में एक ड्राइवर और एक खलासी तथा कंडक्टर तो अनिवार्य रूप से रहते थे। बिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।